आइए अब हम देखते हैं आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न पहला, पृथ्वी एक गोलाकार चालक है, उसकी धारिता ज्ञात कीजिए यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। देखते हैं हल दिया है, पृथ्वी की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 6400 किलोमीटर या r बराबर 6400 × 10³ मीटर या r बराबर 64 × 10⁵ मीटर। पृथ्वी की धारिता c निकालनी है। पृथ्वी एक गोलाकार चालक है, इसलिए c बराबर 4π ε₀ × r। तो आप सभी पढ़े हैं 1/4π ε₀ = 9×10⁹। तो c इक्वल टू 1/9×10⁹, r का मान 64 × 10⁵। तो c बराबर 64/9×10⁵-9 फैरड या c इक्वल टू 7.1111×10⁴ फैरड या c इक्वल टू, इसको दो घर खिसका दीजिए, 711.11×10⁶ फैरड या c बराबर 711.11 माइक्रोफेरेट। इस प्रकार पृथ्वी की धारिता 711.11 माइक्रोफेरेट होगी। तो पृथ्वी जो गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, उसकी धारिता 711.11 माइक्रोफेरेट होगी। प्रश्न दूसरा, आवेश 4×10⁻⁷ कूलम के कारण 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। अब अनंत से 2×10⁻⁹ कूलम आवेश को P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या कार्य जिस पथ के अनुदिश लाया गया उस पर निर्भर करता है? हल दिया है, बिंदु आवेश q बराबर 4×10⁻⁷ कूलम, ये बिंदु O पर आवेश 4×10⁻⁷ कूलम रखा हुआ है। इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें विभव ज्ञात करना है, साथ ही एक अन्य आवेश 2×10⁹ कूलम है, उसको अनंत से लाना भी है। तो दूरी r बराबर 9 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल सकते हैं, 9×10⁻²  मीटर। बिंदु P पर विभव V ज्ञात करना है। विभव का सूत्र हम जानते हैं, V इक्वल टू 1/4π ε₀ q/r, 9×10⁹ इसका मान हो गया। Q का मान आपका 4×10⁻⁷ कूलम हो गया। R का भी मान आपका 9×10⁻²  मीटर हो गया। 9 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा, 1×4×10⁹-7+2, ये हो जाएगा वोल्ट। तो V इक्वल टू 4×10⁴ वोल्ट, तो ये विभव का मान हो गया। अब 2×10⁹ कूलम को अनंत से लाने में कार्य P तक, तो V इक्वल टू W/Q, तो
तो इसलिए W इक्वल टू Q डैश इन टू वी, तो Q डैश का मान है 2 × 10⁻⁹, V का मान है 4 × 10⁴, तो कार्य हो गया 4 × 2 = 8 और ये आपका हो जाएगा 10⁵ जूल। और ये जो किया गया कार्य हमने आपको बताया है वह मार्ग के पथ पर निर्भर नहीं करता है, चूंकि यह संरक्षी बल है। संरक्षी बल होने के कारण किया गया कार्य जो है वह मार्ग के पथ पर निर्भर नहीं है। प्रश्न तीसरा, 3 × 10⁸ कूलाम तथा 2 × 10⁸ कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य है? अनंत पर विद्युत विभव शून्य लीजिए। माना कि धन आवेश 3 × 10⁸ कूलाम मूल बिंदु O पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष है। ऋण आवेश मूल बिंदु के दाईं ओर है। मान लीजिए कि एक्स अक्ष पर कोई वांछित बिंदु P है जहां पर विद्युत विभव शून्य है। यदि बिंदु P का दूरी मूल बिंदु O से एक्स है तो स्पष्ट रूप से एक्स धनात्मक होना चाहिए। बिंदु P पर O वह A पर स्थित आवेशों के कारण परिणामी विभव बराबर शून्य होगा। इसलिए O पर स्थित 3 × 10⁸ कूलाम आवेश Q1 के कारण P पर विभव V1 बराबर 1/4πε0 Q1 बटे R1। O पर स्थित 3 × 10⁸ कूलाम आवेश के कारण विभव, वी वन इक्वल टू 1/4πε0 क्यू वन बटे आर वन। यहाँ क्यू वन बराबर आपका है 3 × 10⁸ कूलाम, आर वन बराबर है माना कि एक्स सेंटीमीटर, तो मीटर में बनाएंगे तो x × 10⁻²। तो वी वन इक्वल टू 1/4πε0 3 × 10⁻⁸ × x × 10⁻²। एक बिंदु आवेश O पर था 3 × 10⁸ कूलाम, ये बिंदु P पर विभव शून्य है। दूसरा आवेश A पर है जिसका मान है 2 × ऋण, और इन दोनों के बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर। x दूरी पर विभव शून्य था। A पर स्थित −2 × 10⁻⁸ कूलाम के कारण P पर विभव V2 = 1/4πε0 Q2/R2। यहाँ Q2 बराबर है −2 × 10⁻⁸, R2 बराबर है 15 − x × 10⁻²। मीटर CGS में था, उसको MKS में बदलने के लिए तो V2 = 1/4πε0 −2 × 10⁻⁸ / 15 − x × 10⁻²। इसलिए P पर विभव शून्य बोला गया है, इसलिए V1 + V2 = 0 या V1 = −V2। V1 का मान 1/4πε0 3 × 10⁻⁸
बट एक्स इंटू 10^-2 वन अपान 4π ε0 माइनस था माइनस 2 × 10^-8 बटे 15 − x × 10^-2। तो आपका ये बच जाएगा 3 upon x = 2 upon 15 − x, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 15 × 45 = 3x = 2x, 45 = 2x + 3x, इसलिए 45 = 9x, इसलिए x = 45/9 = 5 cm। सॉरी 3×2 = 5x = 9 cm। तो 9 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अब हम ये भी कह सकते हैं कि बिंदु O यहाँ पर है, 3×10^8 कूलम, ये इसके बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा आवेश है −2×10^9, और बिंदु P इसके बाहर है। यदि बिंदु P x दूरी विस्तारित होता तो ये फिर आपका हो जाता 3×10^-8 अपॉन x × 10^-2 तो रहता ही, और ये आपका हो जाता V1 = V2, दोनों का पॉजिटिव हो जाता 1/4π ε0 −2×10^-8 अपॉन x − 15 × 10^2, क्योंकि अब देखो ये दूरी x है तो ये दूरी बचेगी x − 15। फिर ये आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3/x = −2/x − 15, तो 3x − 45 = −2x, तो 3x − 2x = 45, V1 = V2, तो आपका x = 45। तो जो धन आवेश है इससे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर या फिर 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान शून्य होगा। दो आवेश 7 μC तथा -2 μC जो क्रमशः −9, 0, 0 तथा 9, 0, 0 पर स्थित हैं के ऐसे निकाय जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, ए की स्थिर विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए, बी दोनों आवेशों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता हो, सी माना कि अब इस आवेश निकाय को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र E = A × 1/r² जहां A = 9×10^5 कूलाम प्रति वर्ग मीटर में रखा गया है, तो इस विन्यास की स्थिर विद्युत ऊर्जा का परिकलन कीजिए। हल जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं वो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से बाईं ओर बिंदु A जिसके निर्देशांक −9, 0, 0 है उस पर −2 μC, व B दाईं ओर है जिस पर 7 μC का आवेश जिसके निर्देशांक +9, 0, 0 है। इस तरह A व B के बीच की दूरी 18 हो जाएगी, इधर −9 इधर +9 दोनों को हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 18, और इस प्रकार से 18 सेंटीमीटर हुआ। एक बिंदु A जिस पर −2 μC −9, 0, 0 पर, ये अपना मूल बिंदु है, ये दूसरा बिंदु B है जहाँ पर 7 μC आवेश है, बिंदु है 9, 0, 0। तो Q1 =
7 माइक्रोकूलम या 7 × 10⁻⁶ कूलम। दूसरा आवेश Q2 बराबर -2 माइक्रोकूलम, तो −2 × 10⁻⁶ कूलम। दूरी AB इक्वल टू ये है आपका 9 माइनस ये है -9 पर 9 + 9 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे तो 18 × 10⁻²  मीटर, पहले आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी। इसलिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है आपके पास, स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε₀Q1 × Q2/r12। U इक्वल टू 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू 7 × 10⁻⁶, इसकी वैल्यू −2 × 10⁻⁶, और यह है आपका 18 × 10⁻½। तो U इक्वल टू −126, 9, 7 और 2 को मल्टीप्लाई किया −126/18 × 10⁹, −6 + 2। तो U इक्वल टू −7 × 10⁻¹ बराबर −0.7 जूल। बी भाग बोल रहा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी अनंत हो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी अनंत, तो अनंत पर ऊर्जा U2 बराबर 0। पहले आवेश की ऊर्जा निकलेगी U1 बराबर आपने निकाली −0.7 जूल, इसलिए किया गया कार्य बराबर ऊर्जा में परिवर्तन। तो कार्य हो गया 0.7 जूल। तो पहला भाग कहा था दोनों के कारण स्थितिज ऊर्जा निकालिए, जिसका मान हमने निकाला −0.7 जूल, और एक दूसरे से दोनों को यदि अनंत दूरी पर पृथक करना है तो कितने कार्य की आवश्यकता होगी। तो जो कार्य होता है वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है 0.7 जूल। अब देखिए यदि इन आवेशों को विद्युत क्षेत्र ई बराबर a × 1/r² जहाँ a बराबर 9×10⁵ कूलम प्रति वर्ग मीटर है उसमें रखा गया है, तो पहले आवेश की ऊर्जा बराबर हो जाएगा उसका कार्य, और कार्य बराबर आप जानते हैं आवेश गुणित विभव। तो हो जाएगा Q1, विभव का मान आप पढ़े हैं, तीव्रता गुणित दूरी, तो ये हो जाएगा Q1, तीव्रता अपने को दिया है a × 1/r² दूरी है अपनी r1, तो हो जाएगा Q1 × a/r1। Q1 का मान अपने पास है कितना, 7×10⁶ कूलम। ए का मान अपने पास है 9×10⁵। R1 का मान पहले आवेश की स्थिति बता दी गई है आपको 9, तो हो जाएगा 9×10⁻², तो आपका हो जाएगा 7×10⁻⁶+5+2 बराबर 7×10⁻¹ बराबर 70 जूल। इसी तरह दूसरे आवेश की निकालेंगे, बराबर कार्य बराबर आवेश गुणित विभव। तो देखिए Q2 ये भी हो जाएगा तीव्रता गुणित दूरी, तो आवेश है Q2 का मान आप देख रहे हैं
माइनस दो माइक्रोकूलम, तीव्रता का मान a बटे r2 का स्क्वायर, दूरी r2, तो माइनस टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स, ए का मान आपके पास है नाइन इंटू टेन टू दी पावर फाइव, ये आर टू डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आर टू का मान भी है नाइन इंटू टेन टू, क्योंकि दोनों नौ नौ हैं उनके पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये पहला जो सेवन माइनस टू माइक्रो कूलाम है वो आप देख रहे हैं कि माइनस नाइन जीरो जीरो पर है, दूसरा जो है सेवन माइक्रो कूलाम वो भी नाइन जीरो जीरो पर है, तो नाइन नाइन हट जाएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स प्लस फाइव प्लस टू, तो हो जाएगा माइनस ट्वेंटी जूल। इसलिए नेट विद्युत ऊर्जा बराबर 17 जूल माइनस 20 जूल माइनस बाह्य ऊर्जा जो दोनों के बीच थी, तो 17 जूल माइनस 20 जूल इसका निकला था माइनस 0.7 जूल, तो आपका हो जाएगा 49.3 जूल। तो इस प्रकार से नेट विद्युत ऊर्जा निकलती है माइनस 49.3 जूल।